तो जैसे कि आप सभी लोगों को भी मालूम होगा और मैंने पिछले कई वीडियो में आप सभी को पूरा हिसाब किताब जोड़ के बताया हुआ है कि बिहार में अगर आंगनबाड़ी सेविका को 5950 रुपये का मानदेय प्रतिमाह मिलता है तो उसमें केंद्र सरकार कितना देती है और राज्य सरकार कितना देती है। अन्य राज्यों में अगर मानती 10,000 से ज्यादा है, 15,000 के आसपास है या जितना भी है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भूमिका ज्यादा होती है। मैंने पहले ही बता रखा है कि जो है 4,500 रुपये पूरे भारत में हर एक आंगनबाड़ी सेविका जो बड़े केंद्र की सेविका है, मेजर केंद्र की, उसको 4,500 रुपये केंद्र सरकार पूरे भारत में सभी राज्यों में देती है। अब उस राज्य की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मानदेय अपने तरफ से मिलाकर के देती है। जैसे कि बात करें गोवा वगैरह, दिल्ली वगैरह, राजस्थान वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह राज्यों में 10,000 से ऊपर मानदेय है तो वहां पर 4,500 रुपये ही केंद्र सरकार देती है हर जगह की तरह, लेकिन राज्य सरकार वहां पर 8,000, 6,000, 7,000 रुपये मिला करके सेविका को एक सम्मानजनक मानदेय देती है। लेकिन बात करें बिहार की तो बिहार में मात्र 1,450 रुपये, वो भी बड़े केंद्र की सेविका के लिए बिहार सरकार मिलाती है, जो घोर निंदनीय है। कहीं से भी सरकार जो है 50 रुपये प्रतिदिन का पैसा बिहार सरकार अपने ओर से मिलाती है, जो घोर निंदनीय है। कम से कम जो है मानदेय इतना होना चाहिए जितना उनके घर का खर्चा अच्छे तरीके से चल पाए और एक सम्मानजनक पेमेंट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत सारी कामें करती हैं। चलिए आपको खबर पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी खबर मुझे व्हाट्सएप में किसी के द्वारा जो है भेजा गया है। खबर काफ़ी ज़रूरी है। इसके पहले भी मैंने आप सभी के लिए मानदेय का पूरा हिसाब किताब आप सभी को बता दिया है कि किस प्रकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको मिलाकर मानदेय देती है, आपको मानदेय कहाँ से बढ़ाने के लिए अपनी मांगे रखनी चाहिए, किससे लड़ाई लड़नी चाहिए, सारा मैं बता चुका हूँ। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से खबर आ चुकी है तो ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, संघ का ऐलान, जब तक सेविका सहायिकाओं की मांगों को नहीं मान लेती सरकार तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अन्य राज्यों में सेविकाओं का मानदेय 5,000 पर बिहार सरकार सिर्फ 1,450 रुपये देती है। यानी कि दूसरे राज्यों में उस राज्य की सरकार 5,000 देती है लेकिन बिहार में सिर्फ 1,450 रुपये दिए जाते हैं, इसी कारण मानदेय कम है। ये 1,450 रुपये और 4,500 केंद्र सरकार का जोड़ दे, दोनों मिलाकर 5,950 रुपये प्रति महीने का मात्र का मानदेय होता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आखिर इस वीडियो में कहना क्या चाहते हो और वीडियो में देखिए आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, छपरा के मसरख की खबर है। लिखा गया है, मसरख प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर 29 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरुआत कर चुकी हैं। 12वां दिन हो चुका है यह हड़ताल। बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति एटा ग्रुप के बैनर तले चल रहा है हड़ताल। के 12वें दिन समिति के महासचिव बिंदेश्वर सिंह, सेविका सहायिका संघ की जिलाध्यक्ष पुष्पा मिश्रा, संयोजक वगैरह बहुत सारे जो लीडर्स है वो सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जब तक सेविकाओं एवं सहायिकाओं की 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगा। यानी कहीं ना कहीं संघ जो है इस बार एकजुट दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि जब तक लिखित रूप में सेविकाओं सहायिकाओं की मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक किस तरह संघ का व्यवहार रहता है। लिखा गया है कि देश के अन्य राज्यों में सेविकाओं का मानदेय 5,000 है तो ये बिहार सरकार मात्र 1,450 रुपये क्यों मिलाती है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार राज्य में सेविकाओं सहायिकाओं से अधिक काम भी लिया जाता है, यानी जन्म से कर मृत्यु तक सेविकाओं को ही काम करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज सेविका सहायिका की मजदूरी अन्य काम करने वाले लोगों की अपेक्षा बहुत कम है। सभी सेविकाओं के द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष सरकार विरोधी नारे लगाए गए। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे सेविका सहायिका संघ के अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष मधुरानी सिन्हा ने उन सेविकाओं को सरकार छलने का काम कर रही है। मानसिक रूप से भी शोषण किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, कब कौन सा काम सामने आ जाए कोई ठिकाना नहीं रहता है। प्रखंड मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 12वें दिन लगातार चल रहा है। तो ये पूरी खबर थी बिहार के छपरा जिले से मुझे भेजी गई थी, मानदेय का पूरा हिसाब किताब था। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में 13,000 रुपये मानदेय फिलहाल एक सेविका को, बड़े केंद्र की सेविका को मिल रहा है तो हिसाब वही है। 4,500 रुपये केंद्र सरकार दे रही है वहाँ भी, जैसे बिहार में दे रही है या यूपी में, मध्य प्रदेश में दे रही है। लेकिन वहाँ पर जो है 8,500 रुपये जो है वो मध्य प्रदेश की यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मिला रही है, तब जाकर 13,000 रुपये मानदेय उनको मिल रहा है। लेकिन बिहार में यही 8,500 नहीं मिला के मात्र 1,450 दिया जाता है, इसलिए मात्र 6,000 से भी कम उनको मानदेय मिल पाता है। ये पूरा हिसाब किताब था। उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी। अभी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।